उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आचार्य धर्मेंद्र का तेज छत्रपति शिवाजी जैसा प्रचंड था। उन्होंने देश की पुरानी और धार्मिक परंपरा को आगे बढ़ाया। आचार्य धर्मेंद्र ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन को तेजी दी थी। उन्होंने 50 साल तक सांस्कृतिक आंदोलन में हिंदू समाज को नेतृत्व दिया। आदित्यनाथ गुरुवार को आचार्य धर्मेंद्र के उत्तराधिकारी स्वामी सोमेंद्र की चादरपोशी कार्यक्रम में बोल रहे थे। योगी ने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ तो संतों की ओर से किए गए विरोध में इस पीठ की बड़ी भूमिका रही। संत कर्म करते हैं, फल की चिंता नहीं करते। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया है। राम मंदिर का काम 50% पूरा हो चुका है। समर्थ गुरु रामदास की परंपरा को जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया, उसी तरह स्वामी सोमेंद्र अब आचार्य धर्मेंद्र की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। योगी आदित्यनाथ और सांसद बाबा बालकनाथ लखनऊ से हेलीकॉप्टर से सुबह 10:40 पर जयपुर जिले के कस्बे विराटनगर के पंचखंड हनुमान मंदिर के पास हेलीपैड पर उतरे। यहां से पंचखंड हनुमान मंदिर पहुंचे। सुबह 11:30 वे विराटनगर से निकल गए। उन्होंने 15 मिनट सभा को संबोधित किया। महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के पुत्र आचार्य धर्मेंद्र विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल में रहे। उनका पूरा जीवन हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान के उत्कर्ष के लिए समर्पित रहा। आचार्य का जन्म 9 जनवरी 1942 को गुजरात के मालवाड़ा में हुआ। पिता महात्मा रामचंद्र वीर महाराज के आदर्शों और व्यक्तित्व का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि इन्होंने 13 साल की उम्र में वज्रांग नाम से एक समाचार पत्र निकाला था। आपको बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती जितने भी लोग थे उसमें आचार्य धर्मेंद्र को भी आरोपी माना गया था। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।